नमस्ते दोस्तों। तो आज हम देहरादून के एक ऐसे क्लाउड किचन में जहाँ पे मिलेगा आपको प्योर घर का खाना, वो भी बना हुआ प्योर देसी घी में। तो इसे रन करती हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल और प्यारी सी आंटी, जो बेसिकली थी एक होम मेकर बट अब बन गई हैं बिजनेस वुमेन। तो चलिए आइए पहले हम आंटी से मिलते हैं, फिर जानते हैं कि वहाँ पे क्या क्या स्पेशल है। नमस्ते, नमस्ते। मेरा हुनर क्लाउड किचन में आपका स्वागत है। थैंक यू, प्लीज वेलकम। थैंक यू। तो आज क्या खिलाने वाले हो आप हमें? आज हमारी किचन में बना है ये पनीर की सब्जी, ये आपकी अरहर दाल, ये है आलू गोभी। मैंने प्लेट्स लगा के रखे हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, दूर दूर तक पूरा घर महक रहा है। आइए आपको दिखाते हैं, ये हमारी जंबो थाली है जिसमें स्पेशलिटी हमारी खीर है, और ये होममेड हमारा नारियल लड्डू जिसमें हम आपको रायता, आपकी अरहर दाल देंगे, एक आपकी पनीर सब्जी और आपकी सीजनल सब्जी, राइस, सैलेड, बटर एंड ये आपका पिकल है, साथ में ये सॉल्ट, ये आपको सब इसमें एक्स्ट्रा मिलेगा, और रोटियां हम लोग गर्म ही बनाएंगे। सबसे पहले जा रही है हमारी अरहर की दाल, ये जा रही है हमारी आलू गोभी की सब्जी, और ये आ गई हमारी पनीर की सब्जी। हमारे राइस हैं, और राइस हम लोग अच्छी क्वालिटी के यूज़ करते हैं, ये माखन चोर राइस है मेरा, जो मैं घर में यूज़ करती हूँ वही यूज़ करती हूँ मैं इसमें भी। और राइस एंड चपाती हमारी हर थाली में है, सब में चार चपाती एंड राइस। साथ में गरम ही बना कर देती हूँ, जब भी ऑर्डर, जैसे ही हमारा ऑर्डर आता है उसी वक्त गरम रोटियाँ प्रिपेयर की जाती हैं फ्रेश बिल्कुल। सो बीइंग अ गर्ल, मैं किसी भी वुमेन एंटरप्रेन्योर को देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो क्यों ना अब हम पूछते हैं आंटी से कि उनका सफ़र कैसा रहा इस जर्नी में। चलो लेट्स गो। क्या मोटिवेशन थी आपकी इस क्लाउड किचन के पीछे? मोटिवेशन खाना बनाना, कुकिंग मेरा पैशन रहा है शुरू से ही, बचपन से ही। तो किचन में नया नया कुछ ट्राई भी करती थी सबके लिए, घर में बच्चों के लिए या पार्टीज हैं, और मोटिवेट मुझे मेरे फ्रेंड्स ने सबने किया, और सपोर्ट मेरे हस्बैंड का रहा है। लोगों ने मोटिवेट किया, ठीक है ट्राई करके देखते हैं। और मेन था कि यहाँ पे जैसे बाहर के स्टूडेंट्स हैं, हाँ जी, और कई बाहर वर्किंग भी हैं कई लोग जो बिना फैमिली के रहते हैं, तो उन लोगों को फोकस करके कि उन्हें घर का खाना या घर का प्योर टेस्ट वो मिले, उन लोगों तक पहुँचे, इन बच्चों के लिए जो उनके लिए हाइजीन भी है, टेस्ट भी अच्छा हो, हाइजीन भी हो, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने ये इस चीज़ को स्टार्ट किया। बिल्कुल, मेरे को तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मेरी भूख बढ़ती जा रही है, फटाफट आप मेरे लिए एक थाली लगा दो। ओके, लिए हमारी जंबो थाली आ गई है, मेरे को तो भाई बहुत ही तेज भूख लग रही है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इसमें से। तो ये है इनकी स्पेशल अरहर की दाल, अमेजिंग। जैसे मैंने आपको बताया पहले सब्जियों का कि बिल्कुल घर वाली होमली फील है, वैसे तो इन रोटियों में बहुत ज्यादा घी है बट फिर भी बिल्कुल ही ओवर घी और चाहिए होता है, तो उनके लिए लोग स्पेशल अमूल बटर भी देते हैं, तो आप ये भी लगा के मस्त इंजॉय कर सकते हो, दाल में डालना है, पनीर में डालना है। ये हमारी दूसरी थाली है, वेज स्पेशल मिनी थाली, इसमें हमारा पनीर की सब्जी इसमें आएगी, ये राइस जाएगा आपका, और ये इस थाली के लिए अब हम लोग फ्रेश रोटी गरम बना रहे हैं। ये हमारी चपातियाँ इसमें ये रेडी हो गई हैं, साथ में इसमें जाएगा स्वीट डिश आपका होममेड नारियल लड्डू, एंड ये हमारी थाली रेडी है। तो हमारी पनीर वाली थाली रेडी हो गई है, क्वांटिटी देख के आप लोग गेस भी नहीं कर सकते कि इसका प्राइस कितना है। हमें दो जगह पे पनीर सर्व हुआ है, एक रायता सैलेड और ये घर पे बना हुआ नारियल का लड्डू। ये डेजर्ट हर थाली के साथ सर्व करते हैं, देन इसमें भी हमें मिलती हैं चार रोटियां। इस इतनी बड़ी थाली का प्राइस है सिर्फ 140 रुपीज़। शायद मैं इस खाने की इतनी वैल्यू ना कर सकूँ जितनी कोई ऑफिस गोइंग या फिर जो अपने घर से बहुत दूर रहता है। बिल्कुल फुल घर वाली फील है, कुछ भी इसमें फालतू के मसाले का टेस्ट नहीं आ रहा है, या कोई भी टेस्ट ओवर पावर नहीं कर रहा है, अमेजिंग। तो यहाँ पे आपको थालियों के अलावा और भी कुछ स्पेशल चीज़ें मिलती हैं जो आप अलग से ऑर्डर कर सकते हो, जैसे कि सबसे पहले इनके नारियल के लड्डू, देन फ्रेशली प्रिपेयर्ड मैंगो शेक, जैसे ही आप लोग ऑर्डर देते हो वैसे ही प्रिपेयर होता है, बना के नहीं रखा जाता, देन ये स्पेशल कुल्हड़ खीर। तो मैं इसको बार बार बहुत ज़्यादा स्पेशल, तो ये क्यों है इतना स्पेशल वो हम आंटी से पूछते हैं। कुल्हड़ खीर स्पेशल है जो अलग से आप ऑर्डर करेंगे, इसमें इस बड़े कुल्हड़ में आधा लीटर से ज़्यादा दूध लगभग लग जाता है इस एक कुल्हड़ को बनाने में हमारे।
टाइप के कुल्हड़ है मेरे पास, ये छोटे वाला जो कुल्हड़ है ये आपको जम्बो थाली के साथ मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री, और ये आप अलग से स्पेशली ऑर्डर कर सकते हो। आप लोग भी रहते हैं देहरादून शहर में अपने घर से दूर और मिस कर रहे हो घर का खाना, तो प्लीज़ ऑर्डर करिएगा मेरे हुनर क्लाउड किचन से। आप डायरेक्टली स्विगी या जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड फॉलो फॉर मोर।